सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत करीब एक बरस के बाद आप सभी देश के और विश्व के अनेकों हिस्सों से चलकर आए हैं। एक श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर इस महान परोपकार में अपने योगदान देने के लिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए हैं, ये मकसद है दुनिया में अमन भाईचारा स्थापित करने का, अज्ञानता के अंधकार से उभरकर ज्ञान के उजाले में अपने इस लोक और परलोक को संवारने के लिए, संसार के वातावरण को सुंदर रूप देने के लिए, मानवता इंसानियत रूपी सच्चे धर्म का स्थापन करने के लिए आप इसमें अपने योगदान दे भी रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त इस महान समागम का हिस्सा बनकर इस परोपकार में अपना योगदान दे रहे हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान के तकरीबन हर प्रांत से नुमाइंदगी है, वहाँ पर विश्व के अनेकों मुल्कों से भी नुमाइंदगी है। एक अनेकता में सुंदर एकता का रूप, जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो वाक्य ही जिसकी संसार को समझने की ज़रूरत है, जो इंसान अनेकता को लड़ाई और झगड़ों का कारण बना रहा है, वास्तविकता में यह अनेकता एक खूबसूरती है। इस बात को इंसान समझ जाए तो तमाम दीवारें जो खड़ी की गई हैं, चाहे वो मज़ो मिल्लत की दीवार है, चाहे जाति पाति की दीवार है, चाहे भाषाएं और रीजनलिज्म की दीवारें हैं, संस्कृतियों की दीवारें हैं, मुल्कों की दीवारें हैं, प्रांतों की दीवारें हैं, ना जाने इंसान ने कितनी दीवारें खड़ी कर ली हैं। तो इन दीवारों को गिराकर एक इंसान अपने असली वजूद में स्थित होकर इस संसार में विचरण करें तो वाकई ही ये धरती का रूप निखर जाए। तो आप इसी रूप को निखारने के लिए ही यत्नशील हैं। ये जो इस समागम का मुख्य थीम भी रखा गया है, वो भी इसी पे आधारित है कि द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, कि ये धरती दीवारों के बगैर, कि दीवारों के बगैर ये धरती हो तो कोई हाहाकार ना हो, कोई जुल्म सितम ना हो, कोई मार काट ना हो। ये दीवारों के होते हुए ही चारों तरफ का वातावरण घिनौना बना हुआ है, हिंसक प्रवृत्तियाँ कितनी प्रबल हो चुकी हैं, असहनशीलता कितनी बढ़ चुकी है, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इसलिए मासूम लोग जो साधारण रूप में अपना जीवन जी रहे होते हैं, वो भी अपने उस साधारण जीवन से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण को विषैला कर दिया जाता है। तो आज ये 3 दिवसीय संत समागम, जो 68वां समागम है, जो 67 दफ़ा पहले ये निभाया जा चुका है, और हर बरस इसका रूप और व्यापक होता चला जा रहा है, क्योंकि एक बरस के दौरान कितने कितने इस दीक्षा को प्राप्त करके, इस अज्ञानता को दूर करके
भ्रम और भ्रांतियों से निजात पा लेते हैं और सच्चे मानव धर्म में स्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से इस व्यापक विशाल रूप में आप सभी उपस्थित हुए हैं, आपके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हो रही है कि इस तरह से आप दूर दराज इलाकों से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। तो यही शुभकामना, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे कि ऐसी एक जो बच्चों की अवस्था होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज चिल्ड्रंस डे भी हिंदुस्तान में मनाया जाता है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के साथ जुड़ा हुआ ये चिल्ड्रंस डे कब से मनाया जा रहा है। तो बच्चों की अपनी मासूमियत होती है, बच्चों के लिए कोई ये जाति पाति मायने नहीं रखते हैं, वो कभी इनके ख्याल में भी नहीं आती हैं, उनको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके मन में भी जहर बड़े ही भरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उस मासूमियत से युक्त होकर अगर बड़े भी इस संसार की यात्रा को तय करें तो वाकई ही ये धरती जन्नत और स्वर्ग बन जाए। तो यही शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास है कि दातार कृपा करें कि सब आप सभी मिलजुल कर जो संसार को एक राह दिखा रहे हैं, संसार उसी राह पे चल के जो वही राह है जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों की हर युग में रही है, उसी रास्ते पे सब चल निकलें ताकि आप भी आनंद लें औरों को भी आनंद लेने दें। सत्संग जी धन्यवाद।